नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि जो वैक्सीन होती है उसको हमेशा आपकी बांह में क्यों लगाया जाता है। इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि जब भी आप कोरोना की वैक्सीनेशन कराने जाते हो तो वहां पे जो आपको इंजेक्शन लगती है वो आपकी बांह पे लगती है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये चीज बांह में क्यों लगती है, क्यों और जगह पे नहीं लगती है? तो चलिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन आखिर बांह में क्यों लगती है। तो देखो, वैक्सीन को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पे आपकी मसल्स हैं, और उन्हीं मसल्स में क्या होता है कि टिश्यूज होती हैं, ऊतक होते हैं, और इन ऊतकों के अंदर क्या होता है, इम्यून सेल्स होता है, प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं। तो जब किसी इंजेक्शन को आपके शरीर में लगाया जाता है तो वो इन टिश्यूज पे जाती हैं, और इन टिश्यूज में आपकी क्या होती है, इम्यून सेल्स होती हैं, और ये इम्यून सेल्स क्या करती हैं, जान जाती हैं कि आपके शरीर में बाहर से कोई अनवांटेड मटीरियल या अनवांटेड पार्टिकल आपके शरीर में घुसा है। तो ये जो अनवांटेड पार्टिकल होता है इसको बोलते हैं एंटीजन, यानी आपको जो इंजेक्शन लगाई जा रही है वो होता है एंटीजन। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी क्या होती है। तो देखो, एंटीजन ऐसा वायरस या बैक्टीरिया होता है जो आपके शरीर में इंजेक्ट बाहर से कराया जाता है, और एंटीबॉडी क्या होता है, इसी एंटीजन से लड़ने के लिए जो शरीर के अंदर डेवलप होता है, इम्यून सिस्टम की वजह से डेवलप होता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीजन, जैसे कि आप मान लीजिए कोई बीमार है, बीमार होने के बाद आप मेडिसिन वगैरह लेते हो, तो वो मेडिसिन क्या होती है, एंटीजन होती है। और जब आपकी शरीर रिकवर होने लगती है तो इस रिकवरी के दौरान आपका शरीर जिस चीजों को प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। तो उम्मीद है कि आपको एंटीजन और एंटीबॉडी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो बाहर से आपकी अनवांटेड पार्टिकल आई, टिश्यूज के अंदर घुसी, टिश्यूज में आने के बाद जो टिश्यूज में आपकी इम्यून सेल्स हैं वो पहचान गई कि बाहर से अनवांटेड मटेरियल आया यानी एंटीजन आया है, तो फिर क्या करेगी, आपकी शरीर इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। तो जो वैक्सीन लगवाने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है वो मांसपेशी मानी जाती है, ठीक है, जो मसल्स होती हैं उसको माना जाता है। तो देखो, नॉर्मली इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगता है, आपकी बांह पे लगता है, आपकी जांग पे लगता है, और आपके पीछे वाले साइड में लगता है। तो आगे हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि इंजेक्शन को आखिर यही क्यों लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि मांसपेशी का आकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि जो 3 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उनमें मांसपेशियों का विकास बहुत बढ़िया होता है, इसलिए 3 साल से ऊपर के बच्चों को बांह में आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 साल से कम के बच्चे हैं, उनके पीछे पीछे समझ रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी उनके पास मसल्स का ग्रोथ वहां पे अच्छा है, इसलिए इंजेक्शन को क्या करते हैं, छोटे बच्चों में जो 3 साल से कम के उनको यहां लगा दिया जाता है, और जो 3 साल से बड़े हैं उनको या तो बांह में या तो जांघ में इंजेक्शन को लगा दिया जाता है। तो चलो आगे देखते हैं कि जो इंजेक्शन है वो वसा वाले ऊतक यानी जो फैट वाली टिश्यूज है उस पे क्यों नहीं लगाते हैं। तो देखो दोस्त, अगर इंजेक्शन को, जो एंटीजन आप शरीर में डाल रहे हो, उसको अगर आप फैट वाले टिश्यूज पे लगाओगे, जैसे कि मान लीजिए पेट पे इंजेक्शन, कभी आपने देखा, मान लीजिए पेट पे इंजेक्शन लगा देते हैं, तो फिर क्या होता है कि जहां पे फैट वाली टिश्यूज होती है वहां इंजेक्शन लगाने से रिएक्शन कर जाता है, चीजें रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से वहां पे जो फैट वाली टिश्यूज है वहां पे आपको सूजन और जलन होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, सुविधा की दृष्टि से हम ऐसी जगह लगाते हैं इंजेक्शन जहां पे रिएक्शन होने का खतरा कम रहता है। तो मांसपेशी के जो टिश्यूज होती है ना, वहां पे रिएक्शन क्या होता है, शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं पहुंच पाता। इसीलिए आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा जिनको इंजेक्शन लगता है, जो कोरोना का इंजेक्शन करा के आ रहे हैं, कोरोना का इंजेक्शन लगवा के आ रहे हैं, जैसे कि मैं ही हूं, जब मुझे कोरोना की इंजेक्शन लगी थी, मुझे को वैक्सीन लगी थी, तो जब मेरी बाहों पे उसको लगाया गया, ठीक है, जब उसको मेरी बाहों पे लगाया गया तो 3 दिन तक मेरा हाथ दर्द हुआ था, 3 दिन तक मेरा हाथ दर्द हुआ था, लेकिन बाकी जो मेरा पैर था, दूसरा हाथ, ये सब दर्द नहीं हो रहा था। तो जहां इंजेक्शन लगा था मुझे दर्द बस वहीं हो रहा था। लेकिन अगर आप फैट वाले टिश्यूज पे आप इंजेक्शन लगवा लेते हो तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, आपकी अदर बॉडी पार्ट्स भी क्या होती है, धीरे धीरे उससे प्रभावित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऊतक होता है ना,
जो फैट वाली टिश्यूज होती है उसमें रक्त का संचार उतना बढ़िया नहीं होता। इस वजह से जहां पे फैट वाली टिश्यूज में इंजेक्शन लगता है तो वहां पे सूजन और जलन का खतरा हो जाता है, और नॉर्मली आपके अगर हाथ वगैरह में लग रहा है तो वो हाथ तक ही सीमित रहता है। इसलिए हम वसा वाले ऊतक में क्या करते हैं कि इंजेक्शन को नहीं लगाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो लसिका ग्रंथियां होती हैं उसकी काम क्या होती है। ठीक है, तो देखो जो लार वाली ग्रंथियां होती हैं वो आपके शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती है। इस चीज को बहुत आराम से समझने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम देखते हैं। देखिए ये इंजेक्शन है, मान लीजिए कि इसमें कोरोना का इंजेक्शन है, ठीक है, कोरोना वायरस की वैक्सीन है। इसको क्या करेंगे कि आपकी बांह में लगाएंगे, तो बांह में लगाने के बाद यहाँ पे जो टिश्यूज देख पा रहे हो, जो मस्क्यूलर टिश्यूज है, उसके अंदर आपकी लसिका ग्रंथियां होती है, यही वाली लसिका ग्रंथियां होती है। अब ये लसिका ग्रंथि क्या काम करेगी कि ये वाला जो आपका लाल वाला पोर्शन देख पा रहे हो, ये लाल वाला पोर्शन आपकी एंटीजन है। तो इस एंटीजन को कौन आइडेंटिफाई करेगा, इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगी यही लसिका ग्रंथि। ये लसिका ग्रंथि क्या करेगी, इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगी कि ये किस तरह की बीमारी है, ये कैंसर की है, ये एड्स की है, ये आपकी कोरोना वायरस वाली है, आखिर किस तरह की है, कौन सा वायरस या बैक्टीरिया है। तो इसको पहचानने का काम कौन किया, इसको पहचानने का काम किया यही लसिका ग्रंथियां, जो कि आपकी टिश्यूज में है, आपके मस्क्यूलर टिश्यूज में ये लसिका ग्रंथियां हैं, ये इसको पहचान गई कि ये फला वायरस है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एंटीजन लिम्फेटिक वेसल के जरिए, ठीक है, का वाहिनियां होती हैं उसके जरिए क्या होता है, ये पहुंचता है आपकी लिम्फेटिक नोड पे। ठीक है, अब ये लिम्फेटिक नोड क्या होता है, लिम्फेटिक नोड एक ऐसी जगह होती है जहां पे हमारे शरीर का सेनापति बैठा होता है। हमारे शरीर का सेनापति कौन है, हमारे शरीर का सेनापति है ये वाइट ब्लड सेल। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कि आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, यही सब हमको पढ़ाया जाता है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, व्हाइट ब्लड सेल आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को डेवलप करती है। तो जब ये पहचान गया, इस देखिए ये वाली जो पोर्शन है आपकी क्या है, लिम्फेटिक नोड है, तो जब एंटीजन आपके शरीर में घुसा और ये जब डब्ल्यूबीसी पे पहुंच गया यानी सेनापति के घर पहुंच गया, तो सेनापति इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, ये वायरस है। अब हमको इसके इससे लड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी, अपनी सेना भेजनी पड़ेगी। तो ये सेना भेजने का काम कौन करता है, यही लिम्फेटिक नोड करता है दोस्त, यही करता है, लिम्फेटिक नोड ही है जहां पर हमारा डब्ल्यूबीसी, हमारे शरीर का सेनापति बैठा हुआ है जो रोगों से लड़ रहा है। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या है, ये डब्ल्यूबीसी ही आपके शरीर को इम्यून सिस्टम देता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है, बाहर से आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल है उससे लड़ता है, यही डब्ल्यूबीसी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इसमें क्या होता है, बाहर से एंटीजन डाले, एंटीजन आपकी मस्क्यूलर जो मस्क्यूलर टिश्यूज है उसमें पहुंचा, मस्क्यूलर टिश्यूज में आपकी क्या है, लिम्फेटिक लार ग्रंथियां है, लार ग्रंथि क्या करती है, इस एंटीजन को आइडेंटिफाई करती है, फिर इसको फर्दर भेज देती है आगे की ओर लिम्फेटिक वेसल के जरिए। लिम्फेटिक वेसल देखो यहां पे आपको दिखा रहा हूं, ये जो आप देख रहे हो पतली पतली लाइन, ये होती है आपकी लिम्फेटिक वेसल, और ये जो मोटा मोटा आप दाना देख रहे हो ना, मोटा मोटा दाना दिख रहा होगा हरे कलर का, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक नोड, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक नोड, जहां पे डब्ल्यूबीसी है। तो बाहर से अगर आपका कोरोना वायरस डाला जा रहा है आर्टिफिशियल तरीके से, तो ये आपका सीधे जाता है किसके पास, लिम्फेटिक नोड के पास जाता है, और लिम्फेटिक नोड ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कोरोना का वायरस है, तो अब धीरे धीरे क्या करता है कि अपने शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप करता है, यानी सेनापति सेना भेजता है और आपके शरीर को इस कोरोना वायरस से बचाने में मदद करता है। तो ये बात होती है कि शरीर में लार ग्रंथि का काम क्या होता है। तो मांसपेशियों के ऊतक में मौजूद, मैंने बताया जो मांसपेशी है उसमें जो टिश्यूज है उसमें जो आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, इस एंटीजन को जो बाहर से आपके शरीर में डाला गया इसको पकड़ के रखती हैं, और फिर क्या करती हैं, इसको लसिका ग्रंथियों के सामने पेश करती हैं, यानी इसके सामने पिंक वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो उसके सामने पेश कर दी कि पहचानो ये कौन सा दुश्मन है हमारा, दुश्मन पहचानो और इसको भेजो कहां पे, लिम्फेटिक नोड में भेजो, लिम्फ नोड में भेजो जहां पे डब्ल्यूबीसी है, और वो ये फैसला करेगा कि इसके साथ करना क्या है। ठीक है, तो मांसपेशियों के ऊतक में वैक्सीन लगाने से ना केवल टीका अपनी जगह रहता है बल्कि प्रतिरक्षा कोशिकाएं दूसरी अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को यह काम करने का आगाह भी देती हैं। ठीक है, तो यहां पे जाके स्टोर भी होता है, इसको आइडेंटिफाई भी करता है। तो यही होता है आपका लार ग्रंथियों का काम।
अब मैं आपको बताता हूं कि बाह में क्यों लगाया जाता है। तो देखो, जहां पे इस लिम्फेटिक नोड की डेंसिटी ज्यादा होगी, घनत्व कहां कहां ज्यादा है, तो देखो ये आपका बाह है, बाह के पास ये लिम्फेटिक नोड की जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, देखिए बहुत आसपास में है। यहां पे आसपास में है नहीं है, यहां का ये आपको लिम्फेटिक नोड दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो कहां दिख रहा है, बाह के पास। तो कोशिश यही होती है, जब भी आपको वैक्सीनेशन लगाया जाता है तो कोशिश यही होती है कि जो ये एंटीजन है, जो लाल कलर का आप ये डॉट देख पा रहे हो, लाल कलर का आप ये जो डॉट देख पा रहे हो, वो जल्दी से जल्दी इस लिम्फेटिक नोड के पास पहुंच सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपकी बाह में इंजेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपके सीने में इंजेक्ट किया जाए तो यहां से इस लिम्फेटिक नोड तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर बाह में इंजेक्ट किया जाए तो फटाक से वो जो एंटीजन है वो आपके इस लिम्फेटिक नोड तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि जो वैक्सीन है आपके बांह में लगाई जाती है। इतने आसान भाषा में आपको बता दिया, और क्या चाहिए। तो चलो देखो एक बार और देख लेते हैं कि बाह में क्यों लगाई जाती है। तो लिम्फ नोड हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि वहां पे WBC बैठा हुआ है। और दूसरी चीज ये होती है, मान लीजिए कि एक दिन में आपको 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कराना है, तो अब सबसे थोड़ी ना बोलोगे आपकी कपड़ा उतारो हम तुमको वैक्सीन लगाएं, कपड़ा उतारो वैक्सीन लगाएं, नहीं, कोशिश यही रहती है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन किया जा सके। और इस दृष्टि से जो आपके बाह में वैक्सीन लगाना है उस वो सुविधाजनक पड़ता है कि आपके बाह में फटाक से लग जाए और आप जल्दी से निकल जाओ। तो ये रीजन होता है कि आपके बाह में क्यों वैक्सीन लगाया जाता है। तो ये थी दोस्त आज की पूरी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।